तो ये वीडियो आपके लिए काफी धुआंधार रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा ग्रामर का निचोड़ बताया जाएगा, यानी कि जितना ग्रामर में टॉपिक आपके एग्जाम में आते हैं उससे पूरा का पूरा शॉर्ट में बताया जाएगा, यानी कि ट्रिक के साथ बताया जाएगा। अगर ये कभी आप ग्रामर नहीं पढ़े और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ग्रामर में 1% डाउट नहीं रहेगा। ग्रामर के साथ साथ आपके हिंदी के बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का निचोड़, यानी कि पूरा का पूरा आपका एग्जाम में जो भी मल्टीपल चॉइस या फिर जो भी क्वेश्चन आएगा हिंदी सब्जेक्ट, पूरा हिंदी सब्जेक्ट का बात करें, इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं कि पहला ये ग्रामर का टॉपिक, यानी पूरा का पूरा टॉपिक इसमें आपका क्लियर हम करेंगे। देखिए शुरू में हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा क्या होता है। यहां देखिए आखिरकार संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है। तो एक चीज याद रखिएगा, संज्ञा किसी भी नाम को, दुनिया का कोई भी नाम हो वो संज्ञा है, ठीक है। यानी कि नाउन जो होता है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी कि दुनिया में कोई भी नाम आप सुने, ठीक है, वो क्या है, संज्ञा है। कोई भी नाम, शहर का नाम, गांव का नाम, देहात का नाम, ठीक है, किसी लड़का का नाम, किसी लड़की का नाम, कुछ भी हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, संज्ञा। लेकिन देखा गया है कि जब संज्ञा किसी भी नाम को कहते हैं तो सब एक जैसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। इसलिए संज्ञा को अलग अलग पार्टों में क्या किया गया, बांट दिया गया। देखिए कैसे बांट दिया गया, यहाँ पे संज्ञा को 5 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। यहाँ एक चीज समझना है, देखिए ये दोनों में थोड़ा सा आपको डाउट का कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है कोई नाम, संज्ञा को तो नाम तो कहते हैं, नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा। जितना भी नाम दुनिया का है सबको संज्ञा बोलते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बोले, ठीक है, कि गंगा एक पवित्र नदी है, ठीक है, तो यहां आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट दिमाग में एक ही बात आ रहा है कि गंगा का बात किया जा रहा है, और सब नदी का बात नहीं किया जा रहा है, एक कोई खास नदी का बात किया जा रहा है, ठीक है। ऐसे हम बोले नदियां पवित्र होती है, तो इसमें कहां कोई खास नदी का नाम आया, ठीक है। नदियां मतलब कोई भी नदी, एक बार नदी यूज कर रहे हैं, नदियां पवित्र होती है, इसका मतलब एगो नदी का बात नहीं किया जा रहा है, पूरा नदी के समूह का बात किया जा रहा है, पूरा जातीय का बात किया जा रहा है, जो भी नदी है सब पवित्र होता है, ठीक है। तो इसे कोई खास पता नहीं चल रहा है, बस इतना पता चला है कि खाली नदी जो बोल रहे हैं इससे पूरा का पूरा नदी जाति आ जा रहा है, छोटा नदी हो बड़ा नदी हो सब आ जा रहा है। तो अगर गंगा एक पवित्र नदी है तो यहाँ गंगा एक स्पेशल बोला जा रहा है कि गंगा ही है जो पवित्र है, तो वो हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि अगर कोई भी वर्ड बोलने के बाद से घूम फिर के दिमाग वहीं पर है कि नहीं इसको छोड़ के दूसरा कोई नामे नहीं आ रहा है, जैसे हम बोले कि ताजमहल, एक तरह से बोले कि अजूबा में से ताजमहल मतलब एक खास अजूबा है, तो आप बताइए कि ताजमहल जो है, ताजमहल के बारे में मतलब हम जिक्र किए हैं, लेकिन अगर बोले कि बहुत सारे अजूबे हैं, ठीक है, तो ये कहा, एक धरोहर तो है नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि नाम रखने से, हम बोले कि ग्रंथ में जो रामायण है, महाभारत है या फिर गीता कुरान कुछ भी है, ठीक है, तो इनका नाम हम रखें कि ये एक पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। कुरान एक पवित्र ग्रंथ है, रामायण एक पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। तो स्पेशल यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है, कि रामायण जो है ना ये पवित्र है, यानी उस खास एक रामायण को क्या बोला जा रहा है, खास नाम लिया जा रहा है। किसी भी चीज का अगर स्पेशल नाम रख दिया जाए और वो नाम पूरे दुनिया में फेमस हो, तो फेमस हुए नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप याद रखिएगा, जो भी नाम फेमस है वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर दुनिया में बहुत सारी चीज फेमस है लेकिन किसी का नाम नहीं रखा जाए, ग्रुप में बोल दिया कि बहुत सारी चीज फेमस है, ठीक है, तो ये जाति के बोध कराता है। जातिवाचक किसे कहते हैं, जैसे हम बोले कि लड़का बहुत अच्छा है, कौन लड़का भाई, ये तो नहीं बताया जा रहा है कि कौन लड़का, ठीक है। लड़कियां खूबसूरत होती हैं, तो अब ये नहीं बताया जाए कि कौन सी लड़की, किसी खास का तो बोध नहीं होता है। लड़की का मतलब क्या, पूरे लड़की जाति का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वह कुत्ता बहुत ही बेकार है, वह कुत्ता भोंकता है, या फिर बोले कि कुत्ते भोंकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, पूरा कुत्ता का बात आ जा रहा है, यानी पूरा जाति, कुत्ता जाति का बात, घोड़े दौड़ते हैं अगर हम बोले तो पूरा घोड़े जाति का बोध हो जा रहा है ना, ठीक है। तो अगर इस सब जो भी सेंटेंस है उसे क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए भाववाचक संज्ञा, भाववाचक का मतलब होता है एक अंदर से जो भाव निकलता है, ठीक है, यहां समझिएगा। अगर बोले कि कोई भी दशा देखिए, जैसे कि यार तुम बूढ़े हो चुके हो, ठीक है, या फिर मैं बूढ़ा हो चुका हूं, तो ये क्या है, बुढ़ापा क्या है, दशा है, एक दशा सबका आएगा जो कि सबको ही बूढ़ा होगा, ठीक है। तो जहां भी भाव दिख जाए, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। या फिर आपका अवस्था दिख जाए, भाव दिख जाए, ठीक है, अवस्था है, बुढ़ापा एक अवस्था हो जाएगा। मिठास, मिठास एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि टेस्ट दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अब बोले कि वाह कितना मीठा है, अब मान लीजिए कि आपने मिर्चा खा लिया, बोलेगा वाह कितना मीठा है, ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि मीठा वो लगेगा नहीं। यानी आप जो भी एक्सप्रेशन दिखाते हैं अंदर से,
ठीक है, कि वाह क्या लग रहा है यार, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक भाववाचक हो जाएगा, मिठास हो जाएगा। पहनावा, पहनावा भी एक प्रकार का भाववाचक है। यहाँ पे सेंटेंस अगर बोलें कि भारतीय पहनावा बदल गया है, तो एक भाव है ना, अलग अलग। मान लीजिए कि हमने कोट पहना है कुछ देर के लिए, समझ लीजिए, तो हमने ये पहना है तो एक भाव में पहने, एक तरीका से, एक लहजा में पहने हैं, ठीक है। ये नहीं है जैसे मान लीजिए कि हमने ऊपर से शॉर्ट डाल दिया और फिर उसके ऊपर गंजी पहन लिया, वो तो थोड़ा सा एक क्या हो गया, उल्टा हो गया ना। एक भाव में हर चीज को सजा के प्रस्तुत किया जाता है, उसे भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। बुढ़ापा, मिठास, पहनावा। द्रव्यवाचक संज्ञा, दुनिया में जो भी चीजें मापी या तौली जाती हैं, जिसको हम लोग जोख सके, माप सके, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे कि यहाँ सोना, चांदी, तेल, पानी, दूध, ये सब जितना है क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। यहाँ पे देखिए समूहवाचक संज्ञा, ग्रुप का बात हो रहा है। अगर कोई एक नाम बोलिए, ये सब नाम है, बुढ़ापा एक नाम है, ऐसा नहीं है कि कोई आदमी बूढ़ा है तो क्या यार, क्या खूबसूरत एकदम जवान की तरह लग रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता है, ठीक है। बुढ़ापा एक क्या है, ये सब नाम है, आदमी बूढ़ा दिखता है तो लोग बूढ़ा रखते हैं। अब बूढ़ी औरत को, बूढ़ी औरत को यार ये तो आप नहीं बोलेंगे क्या लग रही है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। वहाँ पे जो अवस्था दिखता है वही अवस्था बोलते हैं, तो लगना ये बुढ़ापा एक क्या है, एक प्रकार का नाम है, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा में सोना, चांदी, ये सब जितना भी मापने और तोलने वाली चीजें, ये सब नाम है। समूहवाचक, ग्रुप का बोलो, एक नाम बोलिए और नाम बोलने के बाद लगे कि ये ग्रुप के बिना संभव नहीं। जैसे हम बोले आपसे मेला, तो मेला बोलने से क्या पता चल रहा है, एक आदमी रहेगा तो मेला लग सकता है। एक वर्ड बोले मेला, मेला एक नाम है, इसको बोलने से लग रहा है कि मेला में बहुत सारे समूह लोग रहते हैं, तभी उसको मेला बोलेंगे, ठीक है। शहर, तो शहर भी तो हो जाएगा, एक आदमी से शहर नहीं बनता है, ग्रुप से बनता है, समूह से बनता है, इसीलिए इसे समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। कक्षा हो जाएगा, गांव हो जाएगा, एक आदमी से गांव नहीं बनता है। एग्जाम्पल देखिए, गंगा एक पवित्र नदी है, आया ना बात, यहाँ पे पूछा जाएगा कौन सा संज्ञा है ये, ठीक है, तो गंगा स्पेशल नाम है, फेमस नाम है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गंगा यह व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदियाँ पवित्र होती हैं, इसमें तो कोई है ही नहीं फेमस, सब नदी का बात हो रहा है, पूरे जाति का बात हो, पूरे नदी जाति का बात हो रहा है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, नदियाँ जातिवाचक। भारतीय पहनावे बदल गए हैं, यानी कि मेरा पोशाक जो भी है क्या हो गया है, बदल गया है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, भाव है, भाववाचक संज्ञा। सोना महंगा है, तो मापने तोलने के हिसाब से और रेट के हिसाब से सोना महंगा है, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिए, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, यहाँ देखिएगा, तो यहाँ शहर क्या है, एक आदमी आएंगे तो शहर हो जाएगा, शहर बहुत सारे लोगों को कहते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शहर हो जाएगा आपका, आपका क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। और यहाँ मुसाफिर क्या होगा, तो मुसाफिर की तरह, तो यानी एक जाति क्या बोलते हैं, कोई भी व्यक्ति आ रहा है कहीं से आता है उसको मुसाफिर बोलते हैं, राह चलने वाले व्यक्ति जो होते हैं मुसाफिर कहलाते हैं, तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो उम्मीद करते हैं कि संज्ञा आपको समझ में आया होगा। इसी वीडियो में हम लोग देखें सर्वनाम क्या होता है, देखिए ध्यान से, सर्वनाम पहले ये जानी संज्ञा तो पांच भेद हो गए, पांच भेद दिया, पहला का पांच तो एक बढ़ा दीजिएगा अगले वाले में, छह हो जाएगा, ठीक है, सर्वनाम के छह भेद। अब नहीं तो एक और ट्रिक आपको बता रहे हैं, सर्वनाम देखिए छह शब्दों से लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिएगा, एक सौ हो गया, ऊपर का इसको र पढ़ते हैं तो एक दो तीन चार, एगो नौ को बोलते हैं चार, एक लाइन खींचा गया इसको पांच, और एक म हो गया छह, पूरा का पूरा इस छह से बना है, यानी सर्वनाम के छह भेद होते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। देखते हैं सर्वनाम के छह में कौन कौन होते हैं, पहले याद रखिए अनिश्चित निश्चित, ठीक है, अनिश्चित वाचक सर्वनाम क्या है, देखिए निश्चित का मतलब एकदम दिख जाए कि हाँ भाई ये बात सही है, निश्चित है, अनिश्चित का मतलब होता है पता ही नहीं चले कि क्या हो रहा है, कितना लोग आ रहे हैं, जैसे कि देखिए अनिश्चित, कुछ लोग आए थे अगर हम बोले तो ये अनिश्चित बात है, अब कितना लोग आए थे ये तो पता नहीं है, निश्चित रहता बोलते हम कि पता है चार लोग आए थे, तो यहाँ पे निश्चित बात पता चल रहा है कि चार गो लोग दिख रहे हैं, लेकिन हम बोले कि कुछ लोग आए थे मेहमान, ठीक है, तो कुछ लोग यहाँ पे है ये बातें निश्चित नहीं, यानी कि ये अनिश्चित है, तो ऐसे सर्वनाम को हम लोग क्या बोलेंगे, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। किसी ने दिल तोड़ दिया, किसी ने मेरा दिल तोड़ दिया, तो ये कौन सा सर्वनाम है, ये भी हो जाएगा अनिश्चित। अब किसने तोड़ा ये तो पता है नहीं, ठीक है, लेकिन इतना पता है कि मेरा दिल टूट चुका है, तो किसी ने, तो किसी ने यहाँ पे बताइए सर्वनाम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अनिश्चित वाचक सर्वनाम। वैसे आपको एक चीज बता दें, सर्वनाम क्या होता है आपको पता होना चाहिए, संज्ञा तो नाम को कहते हैं, ठीक है, सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जो संज्ञा के बदले में लगे, सर्वनाम, सर्वनाम में ही छिपा है कि सर्वनाम क्या है, सर्वनाम मतलब ऐसा नाम जो सभी के लिए उपयोग किया जाए, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम बोले कि राम आ रहा है, तो राम एक आदमी है इसीलिए उपयोग किया जाए, लेकिन वह जो है ना, वह एक ऐसा नाम है,
ठीक है, जो सभी के लिए उपयोगी है। पापा जी आएंगे तो बोलेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई रेस्पेक्टेबल आदमी आ रहा है, ठीक है, तो बोले हाँ वह आए थे, आप बोल सकते हैं। फिर कोई दोस्त आ रहा है, हाँ यार वह आया था, तो यहां देखिए वह बात दोनों के लिए उपयोग है, यानी वह जो नाम है उस सब के लिए यूज कर सकते हैं, यानी यही सब जो चीज है, कुछ लोग आए थे, ठीक है, तो ये क्या नाम के जगह पर, जैसे हम बोले कि यहां पे राम आया था और हम बोले कि वह आया था, तो नाम के जगह ही तो लगा रहे हैं दूसरा नाम जो सर्वनाम कहलाता है, वह नाम जो सभी के लिए उपयोग हो, ठीक है, वह उसी के छह भेद होते हैं। अब देखिए ये अनिश्चयवाचक आप समझ गए, अनिश्चयवाचक क्या होता है कि पता ही नहीं चले कि क्या कितने लोग हैं, ठीक है, उसके बारे में कुछ लोग आ रहे हैं, किसी ने मेरा दिल तोड़ दिया, ठीक है, तो पता ही नहीं चला किसने, ये बात अनिश्चित है, ठीक है, या निश्चित, इसमें पक्का होता है, पता रहता है कि किसने दिल तोड़ा है, ठीक है। अब देखिए यह चोर है, अगर हम बोले कि यह लड़का चोर है, ठीक है, इसका मतलब यह निश्चित बात है कि इस लड़का यहाँ, इसको जानते हैं हम, सबको दिखा सकते हैं, कोई आपसे पूछे कि कितने लोग आए थे, बोले कुछ लोग आए थे, तो आपको पेरेंट्स को भी यकीन नहीं होगा कि कितने लोग आए थे, अनिश्चित बात है, ठीक है, लेकिन बोले कि यह चोर है तो सब कोई देख सकता है कि हाँ यही चोर है, ठीक है, तो यह निश्चित बात है, पता चल जा रहा है कि इस व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। ये अच्छे हैं, ठीक है, तो ये अच्छे हैं, तो पता चल रहा है कि जो भी आपके सामने व्यक्ति हैं वो निश्चित बात है कि वो अच्छे होंगे, ठीक है। यह मेरी बाबू सोना है, ठीक है, अगर बोले तो पता चल जा रहा है कि आप जिसको भी दिखा रहे हैं, गए होंगे फ्रेंड को लेकर के, बोले कि यह मेरी बाबू सोना है, इसका मतलब वो बात निश्चित होगा, नहीं तो दूसरे किसी को बोलिएगा कि यह मेरी बाबू सोना है तो समझ ही रहे हैं आपका स्वागत स्वेग से करेंगे, ठीक है। यहां देखिए तो ये निश्चित बात है और ये अनिश्चित, अब बोलेंगे कि कुछ लड़कियां मेरी बाबू सोना है, अगर बोला जाए कि कुछ लड़कियां मेरी बाबू सोना है तो ये अनिश्चित बात है ना, अब कितनी लड़कियां, ठीक है, हमको पता नहीं कि कुछ लड़कियां मेरी गर्लफ्रेंड हैं, अब ये बात बोलते कितनी लड़कियां पता नहीं चलेगा, अनिश्चित बात है, पता नहीं चल रहा है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम में जब दो व्यक्ति, जब दो आदमी बात कर रहे हैं, पुरुषवाचक में आप ध्यान रखिएगा, जब दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और दोनों किसे, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तीनों आदमी, इसमें तीन आदमी है, एक तो हम जो सामने वाला है उससे बात कर रहे हैं वो, और जिसके बारे में बात किया जा रहा है वो, तीनों आदमी अगर एकजुट होकर आ रहे हैं एक शब्द में तो उसे हम लोग कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए कैसे, मैंने तुमसे कहा था वह छोड़ देगी, ठीक है, हम लोग दो दोस्त बात कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं उससे कि मैंने जो है ना, हम जो हैं तुमसे बोले थे कि वह तुमको छोड़ देगी, इसका मतलब हम जो हैं स्टार्ट किए हैं, यानी बोल रहे हैं, तो बोलने वाले को बोलते हैं हम लोग क्या, उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक है ना, तो उत्तम पुरुष, अपने दोस्त से बोल रहे हैं यानी तुमसे, मैंने तुमसे कहा था वह तुम्हें छोड़ देगी, तो यहाँ पे हो जाएगा कि मैंने, यानी कि उत्तम पुरुष जो बीच में हम लोगों का बात सुन रहा है, बिचवनिया का काम कर रहा है, उसे मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कहा जा रहा है कोई अन्य व्यक्ति है ना जो हमें छोड़ दी है, ठीक है, तो अन्य पुरुष क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि अब पूछा जाएगा कि यहाँ पे वह छोड़ देगी, यहाँ पे वह कौन सा पुरुष है, तो अन्य पुरुष है, जो बीच में आपका बात सुन रहा है वो मध्यम पुरुष है। अब देखिए, अब जब मैंने उससे कहा था कि वह मुझे छोड़ देगी, ठीक है, तो यहाँ संबंध कैसे बताया जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम समझिएगा, ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, तो देखिएगा ऐसा ही, देखिए सर थोड़ा सा शायरी की तरह ये लग रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसी और वैसी, जो सोएगा सो खोएगा, ठीक है, तो जो और सो संबंध बता रहा है कि नहीं, जैसी और वैसी इन दोनों के बीच संबंध जोड़ रहा है कि नहीं, तो जो एक सेंटेंस को जोड़ के खूब जबरदस्त एक शायरी की तरह बना दे, ऐसे हम लोग चीज को क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। निजी वाचक, ठीक है, निजी वाचक सर्वनाम क्या है, जान ले, निजी का मतलब होता है, लोग बोलते हैं ना कि देखो मेरे मामला में दखल मत दो, यह मेरा निजी मामला है, निजी का मतलब पर्सनल, तो कोई ऐसा शब्द जिसको बोलने के बाद पता चले कि यह मेरा निजी है, जैसे मैं खुद ही चला जाऊंगा, ठीक है, या मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, तो देखिए यहां पर खुद अपना निजी बात है ना, मैं अपने आप, तो अपने आप क्या है, खुद के बारे में, निजी यानी पर्सनल बोल रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, निजवाचक सर्वनाम। और उसके बाद हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऐसा कोई शब्द बोले जिससे प्रश्न का बोध हो, ठीक है, जैसे कि तुम क्या पढ़ रहे हो, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम क्या पढ़ रहे हो, तो जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए उसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम। वैसे भी इसका ट्रिक याद करना हो तो याद कर लीजिएगा, अनाप शनाप, ठीक है, इसका मतलब अनाप नहीं बोलता है, ज्यादा अनाप शनाप मत बोलो, ठीक है, तो ऐसे ही है। अ से हो जाएगा अनिश्चित वाचक, ठीक है, न से हो जाएगा निश्चय वाचक, ठीक है,
और प से हो जाएगा पुरुषवाचक, स से हो जाएगा संबंधवाचक, न से हो जाएगा निजवाचक और अनाप शनाप प से हो जाएगा प्रश्नवाचक। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ देखते हैं ये विशेषण क्या होता है, आखिर ये किस जानवर का नाम, जानवर का नाम नहीं है लेकिन समझिएगा, जो भी आप समझिएगा, विशेषण नाम से कैसे याद रखें, विशेषण विशेष किसी व्यक्ति के बारे में विशेषता बताए कि व्यक्ति कैसा है, मेरे बारे में विशेषता बताए, आपके बारे में विशेषता, आपके वाली के बारे में विशेषता बताए, उसी को हम लोग कहते हैं विशेषण। कोई ऐसा शब्द बोलिए ठीक है जो लय की उसकी विशेषता बता रहा है, उसकी क्वालिटी को बता रहा है, उसके गुण को बता रहा है, उसके दोष को बता रहा है कि उसमें देखो, जैसे बोले आपका दोस्त बहुत ही खराब है, ये अगर हम बात आपसे बोले तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, उसकी विशेषता बताया, उसकी क्वालिटी को बताया जा रहा है कि वो बड़ी खराब है। तो ये जो खराब शब्द है ना, यही आपका क्या है, विशेषण है। जो भी शब्द बोलने से उस शब्द का मतलब दूसरे की विशेषता से हो, जैसे मैं बोलूं यहाँ पे अगर लिखूं कि राम बुरा है, राम बुरा है, तो एक चीज तो आपको पता है, अभी बताया था कि नाम को हम लोग राम कहते हैं, तो ये किसका विशेषता बताया, ये बुरा है, विशेषण इसमें कौन सा है, बुरा, बहुत ही बुरा है ठीक है, लेकिन किसका विशेषता बताया है, राम का ना, कि राम कैसा है, बुरा है। यानी विशेषण किसकी विशेषता बताता है, किसकी क्वालिटी को, या तो किसी नाम को, नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं ठीक है, या फिर संज्ञा को या सर्वनाम को, यहाँ पे या फिर बोले कि वह बहुत बुरा है या वह बुरा है, तो बताइए बुरा तो है लेकिन कौन है, वह है, तो वह क्या है, वह सर्वनाम है, वह एक ऐसा नाम है जो सबको बोल सकते हैं, ये किसी का पर्सनल नाम नहीं होता है, वह जा रहा है, वह जा रही है, वो आ रही है, वो आ रहा है ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए तो ऐसे शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं ठीक है। अब विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो विशेषण के चार प्रकार होते हैं ठीक है। आपको अगर ट्रिक याद करना हो तो जीपीएस, लोग कहते हैं ना कि इसके बॉडी में जीपीएस फिट कर दो, जहां जाएगा पता चल जाएगा, तो जीपीएस एक बार और एस लगा दीजिएगा, जीपीएस का मतलब है जी से गुणवाचक ठीक है, जी पी एस और एस, देखिए यहां पे गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामवाचक, यहाँ पे आप याद रखिएगा इसके चार प्रकार होते हैं, जी पी एस एस, जी पी एस एस ठीक है। नहीं तो एक और तरीका है, गुणवाचक का ट्रिक एक और होता है, देखिए विशेषण के हैं चार काम महान, गुण परिसंख्या सर्वनाम, विशेषण के हैं चार काम महान, गुण परिसंख्या सर्वनाम, ये भी आपको ट्रिक आप याद कर सकते हैं, इसके चार काम महान है ठीक है, गुण परिसंख्या सर्वनाम ठीक है। अगला ये देखते हैं चारों पार्ट कैसे है, ध्यान से समझिएगा। गुणवाचक विशेषण, ऐसा शब्द, शब्द विशेषण समझते हैं ना, जो विशेषता किसी के बारे में क्वालिटी को बताए, जो उसके अच्छाई को भी बताए और बुराई को भी बताए, मतलब उसके गुण के बारे में बताए, इंसान कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसके गुण के बारे में बताए, तो ऐसे शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण बोलते हैं ठीक है। गुण दोष का बोध कराए, जैसे अच्छा हो जाएगा बुरा, मेरे दोस्त ईमानदार हैं, तो मेरे दोस्त जो है कैसे हैं, ईमानदार है, हमारे दोस्त का कैरेक्टर कैसा है, ईमानदारी का है, तो ईमानदार गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। मेरे दोस्त बहुत ही बेईमान है, तो बेईमान कौन हो जाएगा, यहाँ पे अगर बेईमान रहता तो ये भी एक विशेषता है उनकी, लेकिन वो उनके अंदर गुण है ना, वो इंसान के अंदर गुण होता है ठीक है। अब देखिए मेरी भैंस गोरी है, अब गोरी होती नहीं है लेकिन आप समझिएगा कि मेरी भैंस कैसी है, गोरी है, तो मेरी भैंस की एक क्वालिटी है, उसके अंदर ये गुण है, तो इंसान के ये अंदर पाया जाता है, इंसान या जानवर के अंदर ये चीज पाया जाए, जैसे बोले कि ब्रेंच लंबा है, ये ब्रेंच की क्वालिटी है ना, इसका गुण है कि ब्रेंच कैसा है, लंबा है, तो ये इसके अंदर की क्वालिटी है, तो ये अंदर के जो भी गुण होता है, क्वालिटी होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला देखिए परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, परिमाण मतलब जिस विशेषण को नापा या तौला जा सके ठीक है, वैसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक। जैसे कि देखिए, लेकिन परिमाणवाचक दो प्रकार का एक होता है, एक निश्चित और एक अनिश्चित। हम बोले कि एक किलो चीनी लाइए, तो एक इसको माप तौल सकते हैं चीनी को ठीक है, तो ये हो गया निश्चित कि एक किलो ही मांगे। हम बोले कि एक काम करो, मार्केट में जाओ और कुछ चीनी लेकर के आओ। अब यहाँ मामला फंस गया, कितना किलो चीनी, कुछ किलो चीनी लेके आओ, तो यहाँ दो प्रकार के, एगो निश्चित है कि पता है, एगो अनिश्चित है कि पता नहीं है। तो एक नहीं होता है निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण ठीक है। तो एक किलो चीनी लाओ, तो ये हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक, और कुछ चीनी लाओ, तो ये हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। पीछे भी हम लोग पढ़े थे निश्चित अनिश्चित, इसमें भी दो तीन जगह पढ़ना है। देखिए
समझ गए परिणामवाचक विशेषण, जिसको मापा या तौला जाए, तो मापने तौलने का दो गो, एगो निश्चित भी तौल सकते हैं। हम बोले कि कुछ आज थोड़ा सा मतलब अगर बोले कि कुछ दाल लाओ या कुछ रोटी लाओ, तो इसे पता नहीं चल रहा है ठीक है कितना लाना है, माप तोल सकते हैं इसको नहीं। लेकिन ये बोले कि दो रोटी लाओ चार रोटी लाओ, तो ये निश्चित बात है। तो ये दो प्रकार का हो गया, जिसको मापा या तोला जाए ऐसे विशेषण को क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, ऐसा विशेषण जिससे संख्या का पता चले ठीक है। लेकिन संख्या भी अब दो प्रकार का हो गया, एक निश्चित संख्या एक अनिश्चित संख्या। हम बोले चार लोग आ रहे हैं, तो चार लोग आ रहे हैं तो ये संख्या निश्चित है कि चार लोग, संख्या है नापा नहीं जाता है। अब लोगों को थोड़े ना नापोगे ठीक है कि चार किलो लोग आ रहे हैं, दस आदमी आ रहे हैं तो सबका सत्तर सत्तर किलो काउंट करोगे, सबको कि दो चार दस क्विंटल लोग आ रहे हैं, ऐसा तो हम लोग कभी नहीं बोल सकते हैं ठीक है। तो ये देखिए संख्यावाचक में क्या होता है कि ऐसा विशेषण जिससे पता चले संख्या का ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे मापा तोला नहीं जाता है, मापा इसमें अंतर समझ लीजिएगा, दोनों आप में बहुत डाउट रहता है। तो इसको इस वाले विशेषण में सिर्फ नापा तोला जाए वही हो जाएगा विशेषण, लेकिन इसमें नापा तोला नहीं जाता है, उसको जोख नहीं सकते हैं ठीक है। संख्यावाचक में काउंट कर सकते हैं, संख्या को काउंट किया जाता है, संख्या को जोखा नहीं जाता है। तो संख्यावाचक जिससे इसमें दो प्रकार का, इसमें भी निश्चित अनिश्चित, इसमें भी, लेकिन इसमें निश्चित अनिश्चित को जोखा जा सकता है लेकिन इसमें नहीं। अब जाके आप इसमें नहीं बोल सकते हैं कि एक गो चीनी चाहिए, ये नहीं बोल सकते, तीन चीनी चाहिए ये नहीं बोल सकते हैं। ये हमेशा आएगा इसमें कि एक किलो चीनी चाहिए, तो जोख के देगा, गिन के नहीं देगा, यानी संख्या के रूप में चीनी आपको नहीं मिलेगा। तो जो जोखा जाए ठीक है, यानी माप तौल हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, विशेषण में परिमाणवाचक विशेषण, और जो काउंट हो जाए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम बोले कि चार लोग आ रहे हैं तो ये काउंट हो जाएगा, ये निश्चित बात है। लेकिन ये भी बोले कि कुछ लोग आ रहे हैं ठीक है, तो वहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं पता है कि कितने लोग आ रहे हैं। लोग तो लोग हम लोग बोलते नहीं है, वर्ड का यूज करते हैं कि कुछ लोग आए थे घर पे मेहमान, तो कुछ लोग जो है ये विशेषण तो है, विशेषता बताएगा, लेकिन संख्यावाचक विशेषण अनिश्चित है। कुछ लोग आ रहे हैं, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है ये तो पता नहीं है ना, अनिश्चित है ठीक है। तो ये अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा ठीक है। अब जानिए सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, ऐसा विशेषण सर्वनाम ही इसमें आ रहा है। देखिए सर्वनाम ठीक बताए थे कि विशेषण के हैं चार काम महान, यहाँ पे गुण परिसंख्या सर्वनाम ठीक है। सर्वनामिक विशेषण क्या है, ऐसा विशेषण जो यहाँ पे दिया हुआ है संज्ञा के पहले सर्वनाम आए, जो भी संज्ञा यानी नाम के पहले सर्वनाम आना चाहिए, जो भी नाम हो। यहाँ पे लिखा है वह पुष्पा का जंगल है, यहाँ समझिएगा ठीक है, ये झुकेगा नहीं ठीक है। वह पुष्पा का जंगल है, यहाँ पे समझिएगा कि पुष्पा एक नाम है यानी संज्ञा है, और इसके पहले जो आया है ये सर्वनाम है, ये वह है, और वह तो कहीं भी लग जाएगा, सबका नाम है वह, वह आ रहा है, वह आ रही है। तो देखिए संज्ञा के पहले अगर सर्वनाम लग रहा है, सॉरी हाँ संज्ञा के पहले सर्वनाम, तो इसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे संज्ञानामिक नहीं लिखा है, सर्वनामिक, क्योंकि पहले कौन आएगा, सर्वनाम, उसके बाद आएगा संज्ञा। तो ऐसे विशेषण को हम लोग बोलते हैं सर्वनामिक विशेषण। एक इसमें आपका सबसे VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा पूछा गया है, प्रविशेषण क्या है ठीक है। अब हम पूछे आपसे प्रविशेषण क्या है, तो विशेषण का मतलब हो जाए जो किसी की विशेषता बताए, जैसे अच्छा, अच्छा वह बहुत अच्छा है, तो इसकी विशेषता बता रहा है। लेकिन जो विशेषण यानी विशेषता की भी विशेषता बताए ठीक है, वह अच्छा है, अब बोले कि वह बहुत अच्छा है, तो अच्छा है तो ठीक है, लेकिन अच्छा को बहुत खाली लगा दिया जा रहा है उसमें, तो देखिए बहुत ज़्यादा क्वालिटी उसका बढ़ जा रहा है। वह बहुत अच्छा है, पहले तो अच्छा था लेकिन अब इस अच्छा का और वैल्यू बढ़ा दिया गया बहुत लगा करके ठीक है। हमारे सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो सर अच्छा पढ़ाते हैं तो चलो ठीक है अच्छा पढ़ाते हैं, हमारे सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं यानी उनका क्वालिटी और बढ़ गया। तो जो विशेषण की जो शब्द लगने से विशेषण का और विशेषता बताने लगे यानी और बढ़ जाए, उसे हम लोग बोलते हैं प्रविशेषण। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था, आप प्रीवियस ईयर में देखे होंगे कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो प्रविशेषण। देखिए वह दिल की, वह यहाँ पे देखिए वह दिल की बहुत अच्छी है, हम बोले कि वह दिल की अच्छी है तो चलो ठीक है अच्छी होगी, लेकिन बोले कि वह दिल की बहुत अच्छी है ठीक है। तो जब ये बात आ गया ना, इसका मतलब कि अच्छी तो थी लेकिन अब क्या हो गया, इसकी विशेषता और बढ़ गया, बहुत अच्छी है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको विशेषण समझ में आया होगा। तो फिर देखते हैं अगला टॉपिक। देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कारक क्या होता है, जो कि बहुत ही मजेदार और ट्रिक के साथ और एक कहानी के जरिए समझेंगे। कारक जो होता है, कारक के पहले भेद भी पूछता है, एग्जाम में आपके मैट्रिक के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कारक के भेद, या फिर एक सेंटेंस दे देगा और बोलेगा कि बताइए कि ये कौन सा कारक है। वैसे कारक होते हैं आठ प्रकार के।
जब आठ प्रकार के होते हैं तो कोई पूछ देगा करण कारक क्या है, ठीक है, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, इसका चिन्ह होता है करण से होता है, ठीक है, तो पूछ देगा करण कारक का विभक्ति चिन्ह तो से, अधिकरण का विभक्ति चिन्ह तो भी से होता है। अब डाउट में आप फंस जाएंगे, देखिए कैसे, देखिए ये हर एक दूसरे के संज्ञा और सर्वनाम ये क्या बताता है, एक दूसरे के संबंध को बताएगा कैसे, यहां समझिएगा। कारक के आठ भेद होते हैं, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपदान से, ये कर्ता ने कर्म को, यही सब इसका आठ को भेद है, ठीक है। और पूछ दिया जाएगा कि जो कर्ता है, जैसे कि कर्ता कारक किसे कहते हैं, तो जो काम को करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे हम, जैसे मैंने उसको मारा, तो काम किसने इसमें किया, मैंने, किसने किया, मैंने किया, क्योंकि मैं तो अपना काम कर दिया हूं, ठीक है, तो मैंने उसको मारा तो काम करने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ता। और जब काम हम जो कर रहे हैं तो काम जो कर रहे हैं उसको फल किसको मिल रहा है, मैंने उसको मारा, तो जाहिर सी बात है जब हम अपना काम किए तो फल उसको मिला, उसको, लास्ट में को आ रहा है, तो जिसमें को आए वो कर्म हो जाएगा, ठीक है, तो उस जो है ना ये कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिखे, देखिए राम ने मारा, तो राम ने मारा, काम किसने किया, राम ने, तो ने के पहले वाले को कहते हैं कर्ता, ने के पहले क्या है, कर्ता। किसको मारा, तो रावण को मारा, राम ने तो मार दिया लेकिन उसका फल किसको मिला, रावण को मिला, क्योंकि उसको मारा है, तो उसको रावण को, तो को के पहले वाले को क्या बोलते हैं, कर्म। इसमें पूछा जाएगा कि राम ने रावण को मारा में कर्म कारक कौन है, तो रावण है, ठीक है, क्योंकि कर्म कारक यानी कर्म कारक के बाद को आया है, तो कर्म में को आता है, ठीक है। अब एक बार और, एक बात और सुनिए कि राम ने रावण को बाण से मारा। अब बताइए कि राम ने मारा, अपना काम कर दिया, लेकिन किसी चीज का सहारा लिया है, उसने बाण का सहारा लेकर रावण को मारे, तो देखिए करण कारक क्या है, अगर किसी चीज का सहारा लेकर किसी को काम मतलब किया जाए, ठीक है, उसने चप्पल से मारा, तो चप्पल से मारा तो उसने तो मारा, काम तो कर दिया उसने, लेकिन किससे मारा, साधन का काम किसने किया, चप्पल, तो चप्पल हो जाएगा करण कारक, चप्पल से, ठीक है, तो चप्पल से जब बात करेगा तो से के पहले वाले को क्या बोलते हैं, करण बोलते हैं, तो जो साधन का काम करे उसे करण कारक। यहाँ पे देखिए वह लाठी से मारा, तो बताइए साधन कौन है, लाठी एक साधन है, उससे मारा गया है, इसीलिए यह करण हो जाएगा। अब यहां देखिए संप्रदान को के लिए, ठीक है, किसी के लिए कोई काम करे, मान लीजिए कि आपने उसके लिए अपनी जान दे दी, भले उसको फर्क पड़े चाहे नहीं पड़े, ठीक है, तो उसके लिए, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसने, जैसे हम बोले कि राम ने रावण को सीता के लिए मारा, तो राम ने, यहां समझिएगा, राम ने रावण को बाण से सीता के लिए, ठीक है, तो अब देखिए ने के पहले वाला हो गया कर्ता, को के पहले वाला कर्म, ठीक है, बाण से साधन का काम किया तो करण, आ किसके लिए मारा, तो यहां सीता के लिए, तो के लिए वाला में हो जाएगा संप्रदान, क्या हो जाएगा, संप्रदान, ठीक है, संप्रदान कारक हो जाएगा। यहाँ पे एक सेंटेंस और है, उसने मुझको अपने परिवार के लिए छोड़ दिया, अगर ये सेंटेंस हो कि उसने मुझको अपने परिवार के लिए छोड़ दिया, तो बताइए किसके लिए छोड़ दिया, अपने परिवार के लिए, तो करण कौन हो जाएगा, परिवार, यहाँ पे सॉरी संप्रदान कौन हो जाएगा, परिवार हो जाएगा, क्योंकि उसने मुझे परिवार के लिए ही छोड़ा था, ठीक है, किसने छोड़ा, उसने, उसने तो अपना काम कर लिया, भुगत तो आप रहे हैं, ठीक है, तो यही बात है, उसने हो जाएगा। यहां देखिए अगला है संप्रदान का सिंबल भी से होता है, देखिए यहां भी से है और यहां भी से है, दोनों से में क्या अंतर होता है, एक साधन का काम करता है, चप्पल से, लाठी से, तो जिससे साधन का, और इस से का मतलब होता है बिछड़ाव, दूर होना, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहां कोई साधन थोड़े है वृक्ष, ठीक है, यहां पेड़ और जो है पत्ता, ये दोनों में बिछड़ रहा है, जैसे ही गिरा नीचे पत्ता तो ये पेड़ से क्या हो गया, बिछड़ गया, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, तो यहाँ पे बिछड़ेपन का यानी कि जो बिछड़ जाए, दूर हो जाए, उसे हम लोग कौन सा कारक बोलते हैं, अपादान कारक। देखिए तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो, ठीक है, तो बताइए मुझसे, यहाँ पे से है, से का पहले वाला जो मुझ है ये कौन सा हो जाएगा, अपादान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझसे दूर जा रहे हो, तो वहां किसी से भी आप दूर होते हैं, जुदाई या विदाई का जहां बात आ जाए उसमें इस से, ये वाला से लगेगा यानी अपादान लगेगा, और जहां साधन का बात हो जाए करण लगेगा। संबंध, कोई ऐसा शब्द जो संबंध को जोड़ दे, जैसे कि यहाँ लिखे हैं हम मोहन का भाई अच्छा है, तो यहाँ देखिए का जो है ना इन दोनों में संबंध जुड़ा है कि मोहन तो ठीक है लेकिन मोहन का भाई, ठीक है, अब यहाँ हटा देंगे का तो मोहन भाई अच्छा है,
सेंटेंस सुटेबल नहीं हुआ, तो जो जो वर्ड्स दोनों के बीच संबंध को जोड़े उसे संबंध कारक बोलते हैं। ठीक है, अधिकरण, अधिकरण का सिंबल होता है, विभक्ति चिन्ह होता है में और पर। ठीक है, ये क्या होता है कि जिस कारक से जो भी कारक होता है, ठीक है, उस कारक से पता चले कि ये काम उसके अंदर या फिर उस पर हो रहा है। जैसे मोहन घर में है, तो ये क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो क्या है, घर में है, अंदर का बात हो रहा है। या फिर ऐसा हो मैं छत पर हूँ, ठीक है, तो यहाँ छत क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिकरण, क्योंकि छत पर, तो पर के पहले क्या है, छत, जैसे कि यहाँ लिखा है वह छत पर है, तो पर है कि नहीं विभक्ति, पर के पहले वाले कारक को क्या बोलते हैं, अधिकरण, तो अधिकरण हो जाएगा छत। ठीक है, वह घर में है, तो में के पहले वाले कारक को अधिकरण, तो घर क्या हो जाएगा, अधिकरण। ठीक है, संबोधन, बहुत लोग क्या करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं, ठीक है, संबोधन करते हैं। देखिए इसका सिंबल होता है हे, अजी, अरे। ठीक है, ये कैसे होता है, तो देखिए जैसे सेंटेंस पर आपको एग्जांपल के रूप में समझाएं, लोग कहते हैं कि हे भगवान तुमने ये क्या कर दिया, तो जो ये हे भगवान है ना, यही आपका क्या है, संबोधन है। ठीक है, यहाँ पे वही हो जाएगा हे भगवान। या फिर आप बोलते हैं, आप सुने होंगे मूवी में अजी सुनती हो, ठीक है, तो ये जो अजी सुनती हो भाषा है, तो अजी क्या है, इसमें संबोधन है, हमने यह संबोधन किया। या फिर तुमने अच्छा नहीं किया, हे भगवान तुमने अच्छा नहीं किया, बात वही है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, अरे बाप रे, अरे, अरे जहां आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, संबोधन कर, अरे बाप रे बड़ी डेंजर सिचुएशन था। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, आपका संबोधन कारक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको संबोधन कारक समझ में आया होगा। तो फिर देखते हैं अगला टॉपिक, तो हम लोग देखते हैं संधि होता क्या है, संधि किसको कहते हैं, संधि का अर्थ क्या होता है, बहुत ही मजेदार है। देखिएगा, मानिए संधि, संधि का मतलब होता है कि जुड़ना, कोई चीज अगर जुड़ रहा है तो उसे यानी संधि हो रहा है। ठीक है, तो उसे हम लोग संधि कहते हैं। मान लीजिए कि ये कोई चीज है और यहाँ पे, और ये जब चीज यहाँ जुड़ेगा तो संधि हो गया, तो जब चीज जुड़ेगा तो बीच में ही तो जुड़ाव आता है, दो चीज अगर ऐसे जोड़ते हैं तो बीच में ही क्या आ रहा है, जोड़ आ रहा है, तो यहीं पे संधि होगा, तो कोई ना कोई अक्षर चेंज होगा, यानी कि दो वर्णों के मेल से, ठीक है, जो अक्षर चेंज होता है, परिवर्तन होता है, उसमें थोड़ा सा भी चेंजिंग जरूर आ जाता है, तो जो शब्द बनता है वही संधि कहलाता है, यानी कि दो वर्ण का मेल होता है। यहाँ समझिएगा कैसे, अगर हम यहाँ पे लिखें एज फॉर एग्जाम्पल विद्यालय, विद्या अलग है और आलय यानी घर अलग है, ये दोनों टूटा हुआ है और ये दोनों का संधि होगा, जुड़ाव होगा, जुड़ाव होगा, तो बीच में यहाँ पे क्या रहेगा, जैसे ही ये दोनों जुड़ेगा तो दोनों ये और ये जुड़ करके कुछ अलग परिवर्तन करेगा, यानी विद्या या जो विद्या है तो इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो यानी कि दो ठो अगर स्वर है और दोनों को मिलने से ये बल आ प्लस आ हमेशा क्या होता है, आ होता है, तो यहाँ पे विद्यालय क्या हो जाएगा, विद्यालय। यहाँ पे हम लोग जब वर्ड आ को जब हम लोग शब्द में यूज करते हैं तो उसका मतलब एक आकार होता है, अगर माँ होगा तो ये हो जाएगा माँ। ठीक है, इस आ का मतलब ये आकार होता है, यहाँ समझिएगा। अब विद्यालय, यहाँ देखिएगा, विद्यालय संधि में सबसे पहले तो संधि तीन प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम लोग इसमें सबसे ज्यादा स्वर संधि से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जानेंगे स्वर संधि होता क्या है। ठीक है, स्वर संधि इसमें आप जानते हो जिसका उच्चारण मतलब स्वतः हो जाए उसे स्वर वर्ण पढ़े होंगे, अगर स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण पढ़े होंगे तो ये बहुत अच्छा तरीका से आपको समझ में आएगा। ठीक है, स्वर संधि में देखिएगा, आप लोग अ आ आपको याद होगा, अ आ छोटी ई बड़ी छोटा उ बड़ा उ री ए आए ओ औ, इसी से आपका संधि कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा, बस यही आपका एक ट्रिक है, इसी से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मेन कौन है, अ और आ है, स्टार्टिंग वाला है, ये सबके साथ रहा है। एक बार देखिए कैसे, सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा चीज है, दीर्घ संधि जाने, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, अगर छोटा और बटा बड़ा को मिलाइएगा, ठीक है, तो हमेशा बड़ा ही नंबर मिलता है, ये नहीं कि दो को मिलाइए और तीन को, दोनों को मिलाइएगा तो दो मिल जाएगा, नहीं, बड़ा वाला प्राप्त होता है, कोई बड़ा ही नंबर मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ अगर मिलाइएगा अ और आ में कोई भी चीज मिलाएगा, अ आ में अ आ, तो हमेशा आपका आंसर आ ही होगा। छोटी ई में कोई भी छोटी ई बड़ी ई मिलाइए, छोटी ई के साथ बड़ी ई मिलाइए या फिर छोटी ई के साथ छोटी ई को मिलाइए, तो हमेशा बड़ी ई ही मिलेगा। वैसे ही ऊ का भी कंडीशन होता है, छोटा ऊ को बड़ा से मिलाइए या छोटा ऊ को छोटा ऊ से मिलाइए, दोनों को मिलाइएगा तो बड़ा ऊ ही बनेगा, यानी हमेशा बड़ा बनेगा दीर्घ में। वही हम लिखे थे विद्या, यहाँ बड़ा है और यहाँ पे आलय, तो बताइए हमेशा क्या बनेगा, बड़ा ही बनेगा, तो हो जाएगा विद्यालय। ठीक है, यहाँ अगला देखिए, अब यहीं से मेन समझना है। ठीक है, देखिए कहीं भी अगर आपको बड़ा वाला में विद्यालय आकार मिल जाए, क्या मिल जाए,
विद्यालय, विद्यार्थी, ठीक है। तो यहाँ पे आ वाले में समझ जाएगा वो क्या है, दीर्घ संधि है। अगला देखिए यहाँ पे गुण संधि, सबसे इंपॉर्टेंट यही सब है, यही आपको पूछा जाता है। देखिएगा कैसे गुण संधि और वृद्धि संधि। गुण संधि में क्या होता है, यदि आपके पास किसी शब्द के अंत में, याद रखिएगा एक चीज, संधि में यही तो क्वालिटी है, संधि में क्या रहेगा, एक शब्द के लास्ट वाला और दूसरे शब्द के पहला वाला जुड़ेगा। क्योंकि जब जुड़ा होगा तो मान लीजिए कि ये दो ठो शब्द है और ये जुड़ेगा तो इस शब्द का ही लास्ट वाला छोर और इस शब्द का ही पहला वाला छोर ऐसे जुटेगा, यानी कि एक शब्द का लास्ट वाला दूसरे का पहला वाला जुटेगा तो ये बीच में आएगा, ठीक है, बीच में। वैसे ही ये होता है, यदि अ या आ के बाद अगर किसी शब्द के लास्ट में अ या आ हो और किसी शब्द के पहले इनमें से कोई हो, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा और री, तो यहाँ पे देखिए तो वो चेंज होकर के हमेशा क्या हो जाता है, एकले हो जाता है, यानी एक ठो हो जाता है एकले, ठीक है। उसे हम लोग कौन सा संधि कहते हैं, गुण संधि। अब बताइए अभी ये एक ठो है, इससे जस्ट एक स्टेप आगे बढ़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा इसमें, यानी कितना हो जाएगा, दो ठो हो जाएगा, यानी दुल्ले हो जाएगा। यहाँ समझिएगा, नर, नर में यहाँ अ आ रहा है, आपसे बोले कि यदि अ या आ के बाद छोटी बड़ी ये वाला है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, गुण संधि। यदि अ आ के बाद क्या है, ये वाला है, ए ऐ ओ अ, तो वो क्या कहलाएगा, वृद्धि संधि। जब ये जुटेगा तो एकले देता है और जब अ आ के साथ ये जुटेगा तो क्या देता है, दुल्ले देता है, ठीक है, यानी डबल देता है। अब यह डबल का मात्रा देता है, यहाँ पे सिंगल मात्रा देता है। तो यहाँ एक चीज समझिए, एग्जाम्पल यहाँ लिखा है सुर, तो सुर में यहाँ लास्ट में अ आता है, क्या आता है, अ, और यहाँ पे है ई, तो अ और ई, अ और इसमें का ई मिलेगा तो ई को एकले देगा, तो सुर प्लस इंद्र क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा सु, और ई दोनों मिला है, देखिएगा यहाँ पे ये वाला र और ई मिल के देगा एकले, तो ये हो जाएगा र पर एकले रे और फिर इंद्र, सुरेंद्र हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही अगर वीरेंद्र लिखना हो तो वी प्लस इंद्र, तो देखिए वी प्लस इंद्र यहाँ पे हो जाएगा वीरेंद्र, यहाँ पे ऐसे होता है वीरेंद्र, ठीक है। तो बड़ी देता है क्योंकि छोटी ई और छोटी ई मिल के क्या देता है, बड़ी देता है, तो वीरेंद्र हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे, जैसे ये समझ गया कि एक क्या देगा, एकले देगा, ये डबल देता है। देखिए एक यहाँ अ और आ के बाद ए और ए आना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है एक तो क में अ आया, ठीक है, और यहाँ पे ए है तो अ और ए मिलेगा तो डबल देगा। तो यहाँ देखिएगा ए लिख दिए और क लिख दिए, ये क और यहाँ का, यहाँ पे क में अ और ये मिल करके डबल देगा, तो एक प्लस एक एक हो जाएगा। यहाँ भी देखिएगा वन में अ, लास्ट में यहाँ अ छिपा है वन, ठीक है, और यहाँ पे औस दी तो अ और ओ, इसी में देखिएगा अ और यहाँ पे ओ, ये मिल के क्या देगा, डबल देगा, तो ओ है तो एक लकीर यहाँ पे रहेगा, तो वन प्लस औषधि वन औषधि हो जाएगा, न पर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ये हट जाता है और यही जो बचता है आपका व्यंजन ही यहाँ पे स्वर में ही बच जाता है, वन औषधि हो जाएगा। अगला देखिए यण संधि क्या होता है, आपने पहले बार क्या किया, इसको एक बार इसके साथ मिला तो एक ठो मिला, इसको इसके साथ मिला तो डबल मात्रा मिला। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अब ये इसका कहानी खत्म, इसका चैप्टर क्लोज हो गया, अब इसमें कुछ इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे, अगर छोटी बड़ी, छोटा यू बड़ा यू के साथ इसके बाद अगर कोई स्वर आए, क्या आए, स्वर आए, तो यहाँ पे छोटी बड़ी का य हो जाएगा और छोटा उ बड़ा उ का व हो जाएगा और री का र हो जाएगा, समझिएगा। अगर इसके बाद कोई स्वर आए तो य र व बनता है, य र व बनता है, देखिए य र व बनता है। अगर इसके बाद कोई स्वर आए, इसके बाद में कोई भी स्वर, स्वर समझते हैं, अ आ हर्षव दीर्घ ई हर्षव दीर्घ ऊ, जो छोटा उ बड़ा उ ये जितना भी है, अगर इसके बाद आ रहा है तो ये हो जाएगा अय औ आओ, यही सब हो जाता है, ठीक है। देखिएगा ये इम्पोर्टेंट है, पहला वाला में क्या था, अ के साथ ई जुट रहा था, दूसरा वाला में अ आ के साथ ये जुट रहा था, तीसरा कंडीशन में ये हट गया, इसके साथ सिर्फ स्वर जुटेगा और इसके साथ भी स्वर जुटेगा। यहाँ देखिए यण संधि में यदि छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा उ और री के बाद अगर स्वर जुटता है तो ये छोटी ई बड़ी का य, छोटा उ बड़ा उ का व और री का र हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, यहाँ इति, इति में ये छोटी ई है तो छोटी ई और इसके साथ क्या जुटा है, कोई स्वर जुटा है, क्या जुटा है, स्वर जुटा है, स्वर वर्ण तो ये है ही, ठीक है, तो छोटी ई और अ जुटेगा तो ये बनेगा य, तो इति प्लस आदि इत्यादि, और ये वाला जो अक्षर होता है ये आधा हो जाता है, ठीक है, और ये
और किस में बदल जाता है, य में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, य में। तो देखिए इति प्लस आदि, जैसे इसका भी एक एग्जांपल देखिए, सु, सु में क्या आया, उ, और ये पहले क्या जुटा है, आ। तो बताइए आ एक स्वर है, तो यहाँ बताया था कि और ऊ के बाद भी ये किसी चीज के बाद अगर स्वर जुटे तो ये व में बदल जाता है, ठीक है, और उसके आगे वाला अक्षर आधा हो जाता है। तो सु प्लस आगत, तो ये आगे है तो आधा हो गया स, और अ ये किस में बदल गया, व में बदल गया, तो सु प्लस आगत हो जाएगा स्वागत, ठीक है। ये हो गया आपका यण संधि, ठीक है। वैसे भी आपका यण संधि में यहाँ ट्रिक एक और आप समझ सकते हैं, यण संधि में हमेशा य और व आता है, ठीक है, य व और र। अगला देखिए अयादि संधि, ये तो सबसे आसान है, मतलब कि इसमें तो जो भी शब्द आएगा इसमें ज्यादा किसी प्रकार का मात्रा नहीं रहेगा, बहुत ही सिंपल शब्द रहता है, ठीक है, अयादि संधि, ठीक है। जैसे लग रहा है कि बहुत शांति है, यहाँ देखिए जैसे नयन, मयन, नायक, पवन, पावन, एकदम सीधा वर्ड है, ठीक है, यहाँ पे सीधा शब्द है, ये क्या हो जाएगा, अयादि संधि। आपको बताए थे इसमें, अब क्या इसमें जुटा एक बार स्वर तो य र व बना है, अब जुटेगा इसमें स्वर, स्वर का मतलब अ आ छोटी बड़ी जो भी है, तो इसमें जुटेगा तो बनेगा अयादि संधि। यदि ए ए ओ अ के बाद कोई स्वर जुटे तो इ दोनों का ए और ए का हो जाएगा अय, ये हो जाएगा आय, ये हो जाएगा ओ, और ओ का हो जाएगा आओ। जैसे देखिए न, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा न प्लस अन, ठीक है, तो यहाँ पे न प्लस अन यहाँ पे दिया है, ने हो जाएगा ने प्लस अन, ठीक है, तो ने प्लस अन, तो ने में आया ए, ठीक है, और उसके बाद कोई स्वर है तो ने प्लस अन हो जाएगा अय, तो नयन हो जाएगा क्योंकि इस न में अ आता है। उसके बाद से यहाँ देखिएगा नय, नय में आया क्या अय, अक, तो ए ए और अ मिलके क्या बनाता है आय, तो नय प्लस अक नायक, ठीक है, पो प्लस वन पवन, ठीक है, अ प्लस वन पावन, ठीक है, आवन हो जाएगा, अ हो जाएगा, आय हो जाएगा, ई अय हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो फिर देखते हैं हम लोग अगला लेयर, अभी हम लोग देखेंगे समास क्या होता है। वैसे इसका वीडियो हम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ इसके पहले वाले वीडियो में हम बना चुके थे, जो आप मारिएगा सर्च मारिएगा जब व्याकरण बाय अमित सर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो उसमें भी समझाए थे, इसमें पूरा का पूरा आपका लेयर कंप्लीट कर दे रहे हैं। देखिए आपके एग्जाम के लिए अगर आप एक वीडियो ये पूरा का पूरा देख लेते हैं तो एक भी व्याकरण में आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक बार एग्जाम देने से पहले इसको जरूर देख करके जाए, क्योंकि इसमें पूरे के पूरे उसका निचोड़ रखा गया है, अच्छा से एक्सप्लेन करके समझाया गया है। ध्यान से देखिएगा समास क्या होता है, समास क्या है, संधि और समास यही सब ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में। समास जब दो पद, यानी दो पद होता है, आपस में बीच वाले विभक्ति को छोड़ के आपस में जुट जाएंगे उसे समास कहते हैं। लेकिन संधि क्या था, संधि डायरेक्ट जुड़ रहा था, संधि में कुछ हट नहीं रहा था, डायरेक्ट वो क्या रहा था, जुड़ जा रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है, समास में दो ठो पद रहेगा, अपनी विभक्ति को छोड़ के आपस में जुट जाएगा, तो उस जुटे हुए शब्द को हम लोग समास कहते हैं। और जो चीज वहां से हटता है ना बीच से, उसको विभक्ति बोलते हैं। जैसे समझिएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे लिखें राजा की पुत्री, तो देखिए यहाँ दो ठो यहाँ पे शब्द है, पद दो ठो है, जब ये बीच का विभक्ति का एक विभक्ति हटेगा, ये आपस में जब जुड़ जाएगा तो इसका अर्थ निकलता है राजपुत्री। क्या अर्थ निकलेगा, राजपुत्री। तो राजपुत्री क्या है, समास है। तो बहुत सारे समास होते हैं, तो अलग अलग प्रकार का समास है। वैसे यहाँ देख सकते हैं कि दो चार छः, यानी कि आपका समास कितने प्रकार के होते हैं, छः प्रकार के होते हैं। आप इसको रट लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा है समास कितने प्रकार के होते हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं, स्वर सॉरी क्या बोलते हैं उसको, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, ये डायरेक्ट प्रकार पूछा गया कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सब आप चीज़ें याद कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके एक एक करके पढ़ते हैं। समास वैसे छः प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला लाइन से ही याद कीजिएगा, तभी आपको याद होगा। अव्ययी भाव समास, ऐसा समास जिसका पहला पद ही प्रधान हो, ठीक है। प्रधान का मतलब होता है मेन, क्या होता है, मेन यानी कि मुख्य, ठीक है। पहला वाला पद अगर आपका मेन हो, मुख्य हो, तो उसे क्या बोलेंगे, अव्ययी भाव समास। अगर उसका लास्ट वाला पद, पहला पद नहीं दूसरा पद यानी लास्ट वाला पद मेन हो, उसे तत्पुरुष समास, ठीक है। अगर पहला और लास्ट दोनों मेन हो, यानी कि मुख्य हो प्रधान हो, तो उसे द्वंद्व समास बोलते हैं। द्वंद्व देखिए, द्वंद्व का मतलब जिसका दोनों अंग अंग क्या हो, दोनों अंग क्या हो, बराबर हो, समान हो, ठीक है। बराबर का मतलब कि उसका वैल्यू बराबर हो, उसे हम लोग कहेंगे द्वंद्व समास। देखिएगा कैसे, आ जन्म, यहाँ पे देखिए जन्म तो ठीक है, लेकिन आ इसमें प्रधान है। आ जन्म का मतलब होता है जन्म से लेकर, ठीक है,
जन्म से लेकर। तो बताइए तो इसमें लेकर प्रधान है कि जन्म प्रधान है? जन्म प्रधान है, तो जिसका पहला पद प्रधान हो उसे क्या बोलेंगे? यहाँ पे अव्ययी भाव समास। जन्म से लेकर का कहा जाता है कि हम तुम्हें जन्मों से चाहेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए आमरण यानी मरते दम तक, तो यहाँ देखिए मरते दम तक, तो यहाँ क्या सेंस निकल रहा है? मरते दम तक का यानी मरना यहाँ पे क्या है? पहला वाला प्रधान है, इसीलिए आमरण उसको बोला जाता है, तो इसका पहला प्रधान हो। नहीं तो एक और आपको ट्रिक बता रहे हैं, जिसका पहला पद उपसर्ग हो, आपको उपसर्ग भी हम पढ़ाए हैं, जिसका पहला पद क्या हो? उपसर्ग हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पहला वाला ही यानी फर्स्ट वाला ही इसमें क्या होगा? प्रधान होगा। पहला पद उपसर्ग आ जाए तो उसे ही हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। प्रतिदिन यानी कि हर रोज को बोला जाता है। ठीक है, अगला अब देखिए, अगला यहाँ पे है तत्पुरुष समास, जिसका दूसरा पद प्रधान हो, जैसे कि राष्ट्रपति, इसमें राष्ट्र प्रधान नहीं है, पति प्रधान है। ठीक है, राजकन्या, इसमें राज प्रधान नहीं है, कन्या प्रधान है। आपको डाउट लग रहा होगा कि सर राज भी तो ये प्रधान हो सकता है? नहीं बाबू, अगर आप बुलाया जाए, जैसे हम बोलें कि राजकन्या को बुलाया जाए, तो आप क्या कीजिएगा? राजा को बुलाइएगा या राज को बुलाइएगा कि कन्या को बुलाइएगा? आप तो कन्या को बुलाएंगे ना, क्योंकि उसका नाम क्या है? राजकन्या है। ठीक है, तो यहाँ कन्या प्रधान है। ठीक है, अब हम बोले कि राष्ट्रपति को बुलाया जाए, तो राष्ट्र को बुलाइए कि पति यानी जो होता है मालिक। ठीक है, तो उसके मालिक को बुलाइएगा, राष्ट्र के मालिक को आप पति को बुलाएंगे, पति यानी आप हस्बैंड मत समझिएगा। ठीक है, अब देखिए यानी दूसरा पद ये प्रधान हो गया, और वैसे भी याद रखिए जब इसको तोड़िएगा यानी राष्ट्रपति को तोड़िएगा, तो विभक्ति चिन्ह बीच में क्या आता है? कहाँ आता है? कारक आता है। क्या आता है? कारक। जैसे राष्ट्रपति, इसका मतलब होता है राष्ट्र का पति। ठीक है, तो बीच में क्या आया? का आया, कारक आता है। राजकन्या, तो राजा की कन्या को राजकन्या बोलते हैं, राजा की कन्या। तो बताइए राजकन्या को बुलाया जाए तो राजा को बुलाइएगा कि कन्या को बुलाइएगा? राजा को नहीं, कन्या को बुलाएंगे, इसीलिए कन्या प्रधान है, दूसरा पद प्रधान है, इसीलिए तत्पुरुष समास में आएगा। और जिसका दोनों पद प्रधान हो उसे बोलते हैं हम लोग कौन सा? द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, देखिएगा माता जितना बराबर वैल्यू उतना ही पिता का भी वैल्यू होता है, दोनों पद मेन है। भाई बहन, प्रेमी और प्रेमिका, ये भी दोनों आपस में क्या है? दोनों का वैल्यू बराबर। पति और पत्नी, ठीक है, दिन और रात, पूछे कई बार पूछा गया है कि दिन रात कौन सा समास है, तो जितना दिन का वैल्यू है उतना ही रात का वैल्यू है, दोनों पद मेन है, इसीलिए दिन और रात कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ठीक है, यहाँ देखिए बहुव्रीहि समास, ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है बहुव्रीहि समास क्या है, गौर से इसको समझिएगा। बहुव्रीहि, बहुत सारे अर्थ निकले, यानी कि देखिए अगर हम कोई शब्द बोल रहे हैं तो वो शब्द बोल रहे हैं तो उसका अर्थ समझ में नहीं आए, लेकिन उसका अर्थ कोई दूसरा निकल रहा है। जैसे हम बोले लंबोदर, तो लंबोदर का मतलब होता है भगवान गणेश, तो बताइए लंबोदर ल से लिखा गया और गणेश ग से लिखा जाता है, तो बताइए कि लंबोदर का अर्थ गणेश कैसे हो जाता है? तो ऐसा शब्द जिसका अपना अर्थ ना होकर के कोई दूसरा अर्थ होता है उसे हम लोग कहते हैं बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब देखिए चंद्रशेखर, भगवान शंकर को चंद्रशेखर बोला, जिसके शिखर पर, शिखर यानी माथे पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर बोलते हैं, तो भगवान शंकर हो जाएंगे। तो आप बताइए कि हम बोल रहे हैं चंद्रशेखर, इसका कोई दूसरा अर्थ हो उसे क्या बोलेंगे? बहुव्रीहि। वीरापाणी माँ सरस्वती को बोलते हैं, ठीक है, तो माँ सरस्वती को वीरापाणी बोलते हैं, तो देखिए तो वीरापाणी अलग नाम है लेकिन इसका अर्थ माँ सरस्वती से निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ देखिए द्विगु समास, इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको होगा क्योंकि दोनों द्वा द्वा लग रहा है कि दोनों में नंबर है, तो द्वंद्व समास में दोनों अंग बराबर होता है, दोनों अंग समान होता है, लेकिन यहाँ पे द्विगु समास, द्विगो एक मतलब रहा है कि दू गो ऐसा बोला जा रहा है ना, जिसमें संख्या आ जाए, कोई शब्द बोलने पर क्या आ जाए? संख्या, जैसे कि त्रिकोण, त्रिकोण में तीन आ रहा है, ये हो जाएगा द्विगु समास। चारपाई में चार आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे नवरत्न में क्या आ रहा है? नौ आ रहा है, संख्या आ रहा है। चौमुखी में आ रहा है, जैसे चार रोड होता है तो उसको चौमुखी बोलते हैं, नवरत्न बोलते हैं, ठीक है, दस आनन बोलते हैं, जिसका दस गो सिर हो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? चौमुखी। तो ये हो जाएगा आपका द्विगु समास। सबसे मेन जो बहुत ही कम लोगों को, बहुत ही बच्चा सबको हमेशा डाउट रह जाता है, कर्मधारय समास, ये किसको कहते हैं? कर्मधारय। ठीक है, इसमें ऐसे शब्द आता है, ठीक है, दूसरा वाले जो भी है, जैसे लौह पुरुष, दूसरा वाला शब्द पहला वाला का विशेषता बताता है। ठीक है, लौह पुरुष, पुरुष कैसा है? तो लोहे के जैसा है, उसी को लौह पुरुष। तो बताइए दूसरा वाला शब्द पहला वाले के बारे में बताया कि नहीं, कि पुरुष तो हम हैं लेकिन कैसे हैं? लौह पुरुष, लोहे के समान मजबूत हैं। तो ऐसा शब्द दूसरे वाले का
जो पहला शब्द दूसरे वाले का क्या बताए, विशेषता बताए, उसे हम लोग कहते हैं कर्मधारय समास। आपके किताब में डेफिनेशन दिया होगा कि पहला शब्द विशेष है, दूसरा पद विशेषण हो, ऐसे ही देता है, तो डायरेक्ट आप समझिए ठीक से। नीलकंठ, कंठ तो है, पहला शब्द किसका विशेषता बताएगा, दूसरे वाले का, यानी ये इसका विशेषता बताएगा, कंठ तो है लेकिन कैसा है कंठ, नीला है। अधमरा, तो मरा शब्द यानी लास्ट वाला शब्द पहले वाले का विशेषता बताए, उसे हम लोग कहते हैं कर्मधारय समास। अधमरा, मरा तो ठीक लेकिन अधे मरा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आता है मी है जो, जब इसको तोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा नीला है जो कंठ, लौह पुरुष, पुरुष कैसा है लोहे के समान, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा कर्मधारय। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा पूरा का पूरा टॉपिक। तो जुड़े रहिए आप ज्ञापन एकेडमी के साथ, अगर आपको वीडियो बहुत ही बेहतरीन लगा है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिए, आप जितना लाइक कीजिएगा उतना ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और इससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही करीब है और उस हिसाब से आप अपने फ्रेंड में शेयर कीजिएगा तो उसका भी रिजल्ट बहुत ही बेहतर आएगा। तो फिर इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लें, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो 100% जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये ग्रामर का बनेगा नहीं व्याकरण का बनेगा वो जरूर आप बेहतर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा, विशेषण के कितने प्रकार हैं होते हैं, तो आप बताइए विशेषण के कितने प्रकार, अभी हम बताएं विशेषण के चार प्रकार के होते हैं। देखिए एक हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर से जुड़ा हुआ सब क्वेश्चन है, तो इसको गौर से देखिएगा और इसको याद करते चलेगा। इस टाइप इस बेस पर बहुत सारा आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन कौन होता है ये भी आपको बता चुके हैं। अभाव में कौन सा उपसर्ग है, तो अभाव में अ एक उपसर्ग है। देखिए अभाव को जब तोड़िएगा तो यहाँ देखिए ऐसे उपसर्ग किसे कहते हैं जो शब्द के पहले लग करके अर्थ को बदल दे, उसे उपसर्ग कहते हैं, हम एक वीडियो में आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ भाव जब ये टूटेगा तो भाव एक मूल शब्द होगा, इसमें अ जुटेगा तो अभाव उसका अर्थ को बदल देगा। अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, तो बुढ़ापा में आपका पाप प्रत्यय है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, बहुत ऑप्शन में आता है अप्पा आपा, ये जितना भी है ये कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये आपका पा प्रत्यय होगा, क्योंकि बुढ़ापा में प्रत्यय किसे कहते हैं जो शब्द के अंत में लग करके अर्थ को बदल देता, बूढ़ा एक शब्द है, ठीक है, इसके अंत में पा लगा है तभी तो ये अर्थ को बदल दिया, इसीलिए बुढ़ापा एक क्या हो जाएगा पा इसमें प्रत्यय हो जाएगा। एक और इसमें क्वेश्चन पूछता है, भूलक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, तो याद रखिएगा अक्कड़ प्रत्यय है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है भूलक्कड़ पियक्कड़, ठीक है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। यहाँ देखिए धर्मात्मा का संधि विच्छेद कीजिए, तो धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा धर्म प्लस आत्मा, ठीक है, धर्मात्मा हो जाएगा। जगन्नाथ का संधि विच्छेद कीजिए, तो यहाँ पे कीजिएगा तो ये हो जाएगा जगत प्लस नाथ, ये हो जाएगा आपका कौन सा संधि है, अगर पूछ दिया तो आप इसको याद कर लीजिएगा, जगन्नाथ आपका कौन सा संधि होगा, आपका हो जाएगा व्यंजन संधि, कौन सा संधि हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है। और वैसे आपको बता दें जहाँ भी ये डबल न होता है, ठीक है, डबल न, डबल में कोई भी अक्षर अगर म हो तो उसको हम लोग तो आधा त तो में बदलते हैं, तो देखिए तो जगन्नाथ, यहाँ जगन्नाथ जो है, यहाँ जगन्नाथ में क्या हो जाएगा, जगत प्लस नाथ हो जाएगा, ठीक है, उच्चारण भी होता है तो ऐसे होता है, उच्च प्लस होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुव्रीही समास है, तो ऐसा बहुव्रीही समास में क्या होता है, तो पहला पद प्रधान होता है कि उत्तर पद प्रधान होता है कि दोनों, इसमें कोई नहीं होता है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन डी सही होगा, आपको हम बताए थे। यहाँ देखिए द्विगु समास, संख्यावाचक को द्विगु कहते हैं जो संख्या हो, ठीक है, इसमें कौन नहीं है पूछा गया है, तो त्रिलोक है ही, शताब्दी है, नवरत्न है, क्योंकि इसमें सब, इसमें तीन आ रहा है, इसमें सात, इसमें नौ आ रहा है, ये नहीं है, आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अन्य पुरुष कि कितने, मतलब कौन से ये भेद हैं बताइए, अन्य पुरुष, तो संज्ञा के भेद अन्य पुरुष से, कि विशेषण की क्रिया के पुरुषवाचक, तो आपका सही हो जाएगा, पुरुषवाचक के तीन भेद होते हैं, ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। स्वर संधि के उदाहरण है, तो ये राम अवतार परमानंद या कविंद्र, तो यहाँ पर सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ठीक है, तो शुद्ध यहाँ पर हो जाएगा भलाई, दूध, सुंदरता और ये, तो ये देखिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूध भाववाचक, ये संज्ञा एक तरह से देखा जाए तो दूध भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा कौन सा है, मोहन, मोहन तो नाम है, संज्ञा है लेकिन भाववाचक नहीं है। सेना, सेना भी नहीं है क्योंकि सेना से ग्रुप का बात हो रहा है। पत्थर भी नहीं होगा आपका, बचपन एक प्रकार का भाव है, एक प्रकार क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिएगा आपका ऐसे ले लें, परिणामवाचक विशेषण है, तो हो जाएगा आपका पाँच, परिणामवाचक जिससे कि
नहीं, परिणामवाचक विशेषण में आपका हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा परिणामवाचक विशेषण में थोड़ा हो जाएगा, क्योंकि परिणामवाचक विशेषण में देखा जाए तो होता है इसमें जिसको मापा तोला जा सके, तो थोड़ा सा होता है जिसको माप हम तोल सकते हैं। अगला देखिए, अवकाश शब्द का उपसर्ग कौन है, तो यहाँ पे अवकाश में हो जाएगा अव, क्योंकि इसको तोड़ने के बाद एक काश एक शब्द होता है, वकाश नहीं होता है, इसीलिए अव आगे जुटा है, तो जो आगे जुटता है उसे उपसर्ग बोलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, सर्वनाम के भेद हैं, तो देखिए ये जो है व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक, ये संज्ञा के भेद हैं, लेकिन संबंधवाचक क्या है, सर्वनाम के भेद है, तो आपका सी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देखिए द्वंद्ववाच, यहाँ पे द्वंद्व समास है, तो द्वंद्व समास को जिसका दोनों पद प्रधान हो, तो ये हो जाएगा दिन और रात में दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययीभाव समास में डैश पद प्रधान होता है, यानी पहला पद जिसको पूर्व पद बोलते हैं प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण इसमें कौन सा नहीं है, तो बताइए जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें सब में दूसरा है, ये चौराहा हो जाएगा, ये नहीं है उदाहरण। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा गाय भी एक गाय गो से, यानी पूरा गाय जाति का बोध हो जा रहा है, नदी से पूरा नदी जितना भी है, शहर से पूरा शहर, विवेकानंद एक स्पेशल नाम है खास, तो ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कर्मधारय समास है, चतुर्भुज, यहाँ ऋषि पुत्र वनवास और यहाँ पे चंद्रमुख होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, कर्मधारय समास। यहाँ देखेंगे विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, तो प्रविशेषण बोलते हैं। लौह पुरुष में कौन सा समास है, तो लौह पुरुष में आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। बताए थे कि जो दूसरा शब्द होता है पहले का विशेषता बताता है, तो पुरुष कैसा है, लोहे के जैसा है। यह अगला क्वेश्चन है, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है, तो निर उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक के बाद कोई भिन्न स्वर आए, हम बताए थे आपको इसमें, तो ए किस में बदल जाता है, ए हो जाता है आपका अय में बदल जाता है, और ए आपका आय में बदल जाता है, ओ आपका ओ में, और ओ आपका आओ में बदल जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इसमें पहनावे कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा, पहनने का एक भाव होता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरे, इसमें कौन सा कारक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि आपादान में ही ये क्या होता है, एक दूसरे से जुदाई के बाद, पेड़ मान लीजिए कि यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है, तो यहाँ से पत्ता जब आपका गिरेगा तो ये पेड़ और पत्ते की जुदाई हो रही है, इसीलिए आपादान हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्यायाम की जो ये व्यायाम में संधि विच्छेद क्या होगा, तो वी प्लस आयाम, ठीक है, ये यण संधि है, याद रखिएगा। अगला देखिए, आ जन्म में कौन सा समास है, तो आ जन्म में आपका अव्ययी भाव, क्योंकि जिसमें पहला पद प्रधान हो, आ जन्म का मतलब जन्म से लेकर, तो जन्म से लेकर के जन्म पहले आ रहा है, तोड़ के देखा जाता है। निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ निस्तेज में नहीं, ये नहीं होगा, निस होगा, ठीक है, क्योंकि तेज टूटने के बाद से जो अक्षर बचेगा उसका भी तो कुछ अर्थ होना चाहिए, तो यहाँ पे निस्तेज में निस हो जाएगा, आधा स है। यहाँ देखिए, प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है, तो विशेषण की विशेषता बताता है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अष्टाध्यायी कौन सा समास है, तो ये द्विगु समास है, क्योंकि इसमें नंबर है अष्ट, यानी आठ होता है, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही शानदार लगा होगा। अगर आपको वीडियो बहुत ही शानदार लगा है, तो कितना शानदार लगा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और प्लीज अपने दोस्तों में पूरा से पूरा शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त को भी इस वीडियो से बेनिफिट मिल सके। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।